गाइस 26 जनवरी और 15 अगस्त ये दोनों दिवस हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। इन दोनों दिवस को हम अपने देश के राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों दिवसों में अंतर क्या होता है। दरअसल 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, इसलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों दिनों के झंडा फहराने के तरीके में अंतर होता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को रस्सी के माध्यम से ऊपर खींचा जाता है, उसके बाद उसे फहराया जाता है, इसे ध्वजारोहण कहते हैं, जबकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा ऊपर बंधा होता है, उसे रस्सी के माध्यम से खींचकर फहरा दिया जाता है, इसे झंडा फहराना कहा जाता है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण करते हैं, उसके पश्चात देश को संबोधित करते हैं, जबकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। ये जानकारी आपको कैसे लगी? आप सभी को हमारे और फैक्ट डायरी टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।